नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे 25 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है सिद्धि और करण है गर। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के राशिफल की कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस क्रम में सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों की आज कार्य करने की क्षमता कुछ बढ़ी हुई रहेगी। आप पहले से कुछ ज़्यादा ऊर्जावान आज रहने वाले हैं। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए हितकारी होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज मेहनत में कमी ना करें, किसी भी तरीके से स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मेहनत में तो आप कमी ना करें, लेकिन साथ ही साथ सेहत के साथ कोई आप समझौता ना करें। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए हितकारी होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोग आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। व्यापार में साझेदारी न करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोग आज खुद को किसी भी परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार रखना चाहिए। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। आज की तिथि आपके लिए यात्रा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं बनती है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में आज कुछ गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो मुश्किलों से बचने से बेहतर है कि उसका डट करके सामना किया जाए और समाधान ढूंढा जाए। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। शेयर बाजार में आप निवेश ना करें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज करना पड़ सकता है जो आपके परिवार और साथ ही साथ व्यापार से जुड़ा हुआ हो, तो सोच समझ करके निर्णय करिएगा। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। ये समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं बनता। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों को अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बात को सही तरीके से समझा जाए, तो आपको अपने बात कहने के तरीके में कुछ बदलाव करना होगा। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। धन का बहुत ज़्यादा व्यय करने से आपको बचना है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज लोगों की तरफ से बहुत तारीफें और बहुत ही आपके काम करने के तरीके को सराहना प्राप्त होगी, तो इन सब चीज़ों से खुद की ऊर्जा को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा रुपए पैसे के लालच में, धन के प्रलोभन में आज आप ना आए। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। वाणी पर नियंत्रण आप मत खोइए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात होगी और उनसे आपको व्यापार में काफ़ी सहायता मिले, ऐसे योग दिखते हैं। देवी कवच या फिर चंडी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य आप मत खोइए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोग आज परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ आप विदा न करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज किसी लंबे समय पर सफर पर जाने के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो कोई अगर यात्रा का कार्यक्रम हो उसको टाल देना चाहिए, वही आपके लिए ज़्यादा उत्तम है। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आप बचिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर दिन बनता दिखाई देता है। आज आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिले, नौकरी में कोई अच्छी सूचना मिले, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको भी बचना चाहिए। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हमने जाना कि ग्रह नक्षत्र के लक्षण क्या कहते हैं, आपका दिन कैसा बीतने वाला है और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी बड़े खर्च के
कैसे आप पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, आपस के हस्बैंड वाइफ रिलेशंस को और बेहतर बना सकते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति रहती हो, वाद विवाद की स्थिति रहती हो और आप माधुर्य स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके बेडरूम में नैरक्त कोण में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में दक्षिण और पश्चिम के कोने में प्रेम व्यवहार करते हुए पक्षियों का जोड़ा ये लगाना चाहिए, या उसकी आकृतियां भी आती हैं, फाइबर की भी बनी आती हैं, मेटल्स की भी बनी आती हैं, मिट्टी की भी बनी आती हैं, वो सिर्फ रख देने मात्र से शुभ ऊर्जा का संचरण आपके कमरे में होने लगता है और पति पत्नी के जो संबंध तनावग्रस्त हो गए हैं वो सुधरने लगते हैं। इसी में फेंगशुई में खासतौर पर मेंड्रिन डक्स को उनका पेयर रखने का, मेंड्रिन डक्स का जोड़ा रखने का एक प्रचलन है और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। तो अगर आप डक्स आपको मिल जाती हैं, मेंड्रिन डक्स, उनका पेयर रख सकते हैं या किसी भी पक्षी का प्रेम व्यवहार करता हुआ सुंदर सा अट्रैक्टिव सा जोड़ा आप रखिए, जिसको देख करके आपको अच्छा लगे कि हाँ ये दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रखना चाहिए। इससे आपके रिलेशन जरूर बेहतर होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार।